हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ प्रेपोजिशंस ऑन एंड अपॉन इन द ब्लैंक्स विद ऑन और अपॉन अभी आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आने वाले हैं जिनमें कि आपने ऑन या फिर अपॉन यूज करना होगा अपॉन हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस शी कंग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि यहाँ पर किसी एक्शन की बात हो रही है एक्शन का मीनिंग होता है मूवमेंट ओके यहाँ पर एक्शन का मीनिंग मूवमेंट है तो यहाँ पर किसी मूवमेंट की बात नहीं हो रही है इसलिए आपने यहाँ पर लिखना है ऑन उसने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी थी इस सेंटेंस का मीनिंग ये है ओके okay, तो आप इस सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ना है और सोचना है कि वहाँ पर किसी मूवमेंट की बात हो रही है मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना इसकी बात हो रही है कि नहीं हो रही है अगर वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है तो वहाँ पर आप ऑन लिखोगे तो नंबर टू देख लेते हैं द टाइगर स्प्रैंग डैश द गोट स्प्रैंग का मीनिंग होता है जम्प्ड ओके okay? ये स्प्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है तो यहाँ पर आपने लिखना है अपॉन क्योंकि यहाँ पर एक्शन हुआ है इस सेंटेंस में हमें एक्शन के बारे में पता चल रहा है कि टाइगर ने गोट के ऊपर जंप किया था ओके okay? इसलिए हमने यहाँ पर अपॉन लिखना है यहाँ पर आपने ऑन नहीं लिखना है अपॉन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ स्टैटिक होती है यानी कि रेस्ट में होती है ओके okay? मूवमेंट उसमें नहीं हो रही होती है लेकिन फिर वो कहीं चली जाती हैं वहाँ पर और फिर वहाँ पर फिर से रेस्ट में आ जाती है ठीक है तब आप हाँ वहाँ पर अपॉन यूज़ करते हो तो नंबर थ्री देखते हैं हम थर्ड सेंटेंस है ही वॉज सिटिंग डैश अ बेंच देखिए यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है ही वॉज जस्ट सिटिंग देर वहाँ पर वो सिर्फ बैठा हुआ था ओके तो, तो इसलिए आपने यहाँ पर ऑन लिखना है यहाँ पर आपने अपॉन नहीं लिखना है सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ना है और सोचना है कि वहाँ पर कोई मूवमेंट की बात हो रही है कि नहीं हो रही है अगर वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही है तो वहाँ पर आंसर ऑन ही आएगा सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना तो अब हम देखते हैं नंबर फोर द रैबिट जम्प डैश द टेबल देखिए यहाँ पर jumped जम्प्ट वर्ड आया है फिर से तो सोचिए यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आपने लिखना है अपॉन ठीक है द रैबिट जम्प्ड अपॉन द टेबल रैबिट पहले बैठा हुआ था उसके बाद उसने टेबल के ऊपर जम किया और वो वहाँ पर फिर से बैठ गया ठीक है तो जब भी कोई चीज़ पहले स्टैटिक होती है यानी मोशनलेस होती है विदाउट एनी मूवमेंट और वो कहीं और जाती है ठीक है जम्प करती है और वहाँ पर जाकर फिर से बैठ जाती हैं तब आप वहाँ पर अपॉन यूज़ करते हो तो अब हम देखते हैं नंबर फाइव फिफ्थ सेंटेंस ही हैज़ रिटन अ बुक डैश हिस्ट्री तो यहाँ पर सोचिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर आंसर आएगा ऑन उसने हिस्ट्री के ऊपर एक बुक लिखी है ठीक है हिस्ट्री के ऊपर यानी कि जब भी आप किसी टॉपिक की बात करते हो तब भी आप वहाँ पर ऑन यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि हम ऑन कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं ओके okay, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में शेयर कर दूँगी आप वहाँ से देख सकते हैं सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव डन इट एट एंड प्लीज़ गिव मी योर कॉमेंट्स ऑल्सो थैंक यू